जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि इलाज हमारे सामने होता है, हम जिस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जिस परेशानी से, जिस समस्या से हम ग्रस्त होते हैं, वो सामने छोटा सा इलाज हमारे सामने होता है और हम उसे कर नहीं पाते। आज मैं सभी परेशानियों का अंत करने के लिए बहुत छोटा सा उपाय, आप सभी जानते ही हैं, तुलसा जी। हर घर में, हर हिंदू के घर में तुलसा जी होती ही हैं। सब जल समर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि तुलसा जी जिस घर में होते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। बीमारियां यदि बड़ी समस्या आ भी जाती है तो बहुत ही शीघ्र स्वयं दूर हो जाती है। भगवान श्री नारायण का उस घर में आशीर्वाद प्राप्त होता है जिस घर में माँ तुलसी की सेवा पूजा होती है। आज मैं तुलसा जी से संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ और एक ऐसा उपाय जो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी साधारण तरीके से हम अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि गुरुवार के दिन, मैंने पहले वीडियो में जैसा बताया कि गुरुवार के दिन आप सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, अपने जल के जो स्नान का पानी है, जल में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल दें और उसके बाद उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद जब आप पूजन करने के लिए तुलसा जी को जल समर्पित करते हैं, यदि प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ, यदि गुरुवार के दिन स्पेशली करते हैं तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध रखें, पहले कच्चा दूध समर्पित करें, उसके बाद तुलसा जी में जल समर्पित करें। एक दीपक गुरुवार के दिन आप विशेष करके सुबह भी दीपक लगाएं और शाम को भी दीपक लगाएं। तुलसा जी के लिए मैं जो बताने वाली हूँ, आप जानते होंगे जब तुलसा जी सूख जाती है तो किसी भी घर में, क्योंकि कभी ज़्यादा ठंड पड़ती है उसके कारण भी तुलसा जी सूख जाती है। कहते हैं तुलसा जी घर में सूखना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भले ही देवी देवताओं का रूप लिए हुए है, इसमें कहते हैं 33 कोटि देवी देवता विद्वान होते हैं, माँ लक्ष्मी विद्वान होती हैं, लेकिन है तो पौधा ही। और ये जब ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा ठंड के दिन होते हैं तब सूखती हैं, या ज़्यादा गर्मियों के दिनों में इनका रख रखाव अच्छे से नहीं होता है तभी सूख जाती हैं। और सूखी हुई तुलसा जी आप घर में ना रखें, इन्हें आप किसी भी दिन, अच्छे दिन, जिस दिन आप निकाल सकते हैं, जैसे बुधवार और रविवार को आपको नहीं तुलसा जी को निकालना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो आप दूसरे दिन और ख़ास करके 11 द्वादशी इन दिनों में भी आपको तुलसा जी को नहीं छूना चाहिए। इन दिनों के अलावा आप तुलसा जी को निकालें गमलों में से निकाल कर, जो सूख जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाए, उसमें हरा पार्ट बिल्कुल ना दिखाई दे, तब आप माने कि आपकी तुलसा जी सूख गई है। उसे निकालें और जो तुलसा जी का ऊपरी भाग है आप उसे जल में प्रवाहित, बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर दें, और जो नीचे जड़ है आप उस जड़ को निकाल कर रख लें। और जब उस जड़ को निकाल के रखते हैं आप तो उसे स्वच्छ जल से धो लें, उसके बाद गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी उसे पवित्र कर लें। उसके बाद अपने जो अपने घर में मंदिर है उसमें पूजन में रखें, और जैसे पूजन करते हैं, जैसे आप अपने घर में सभी देवी देवताओं की पूजन करते हैं, यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं, भगवान श्री हरि की कोई फोटो प्रतिमा वगैरह है, आप उनके समक्ष रखें और गुरुवार के दिन उस पर हल्दी का टीका लगाएं, थोड़ा सा नाड़ा समर्पित करें, जो कलावा होता है वह समर्पित करें, उसके बाद उसे पूरा दिन वहीं रखे रहने दें, और फिर दूसरे दिन शुक्रवार के दिन उसे उठाकर पीले कपड़े में, एक पीला कपड़ा पहले ही तैयार रख के रखें, यदि आप जब श्री हरि भगवान विष्णु या शालिग्राम जी के समक्ष रख रहे हैं तब आप यदि पीला कपड़ा बिछाकर, रुमाल जितना ही कपड़ा चाहिए, कोरा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, आपके उपयोग वाला नहीं होना चाहिए, आप उस पर ही यदि तुलसा जी का की जो जड़ आपने रखी है वह रख लेते हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ है, उसे फिर लपेट कर दूसरे दिन 24 घंटे बाद आप जब दूसरे दिन स्नान करके पूजन करते हैं उस समय उठाकर आप जहाँ आपका धन रखने वाला स्थान है वहाँ रख लें। आप देखना आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, या कोई भी बड़ी परेशानी आने वाली है वो परेशानी छोटी होकर आपके घर से निकल जाएगी।
कुछ नियम हमारे होने चाहिए। जैसे हम रोज़ सुबह स्नान करते हैं, हर घर की स्त्री को तो ये कार्य करना ही चाहिए, यदि पुरुष करते हैं तो भी श्रेष्ठ, बच्चे करते हैं, बच्चों को भी शुरू से संस्कार होना चाहिए कि हम सूर्यनारायण को जल समर्पित करें, माँ तुलसा को जल समर्पित करें। यदि नहीं करते हैं दिया बत्ती तो नहीं करें, लेकिन ये दो कार्य तो आप कर ही सकते हैं, बच्चों को भी सिखा ही सकते हैं। और हर महिला को तुलसा जी में जल चढ़ाना, सूर्यनारायण को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और शाम के समय आप दीपक, जब सूर्य डूबने के लिए होते हैं उस समय आप तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाएं, गोलबाती का दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। तुलसा जी से संबंधित एक और मैं जो बात आपको बता रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से सुने और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, तुलसा जी का एक ही पौधा हमारे घर में नहीं होना चाहिए, कम से कम दो तीन पौधे अवश्य होना चाहिए। जिस तुलसा जी की आप पूजन कर रहे हैं, जल समर्पित कर रहे हैं, और यदि रोली कंकु डालकर और पूजन कर रहे हैं, चावल अक्षत समर्पित कर रहे हैं, दूध कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं और शाम को दीपक लगा रहे हैं, उस तुलसा जी की पत्ते तोड़कर आप ठाकुर जी को कभी भी भोग ना लगाएं। आपको एक तुलसा जी का पौधा अलग होना चाहिए जिसमें से आप तुलसा जी भोग के लिए तोड़ें। कहते हैं जिस तुलसा जी की आप पूजन करते हैं उसमें से कभी भी आपको तुलसा दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही एक और मैं जो बात बता रही हूँ, आप कभी भी आपके घर में जो तुलसा जी लगा के रखी हैं उस पर मंजरी थोड़ी बहुत आती है, और जब मंजरी सूखने लगती है आप उस मंजरी को निकाल दीजिए, क्योंकि वह एक तरह से तुलसा जी पर भार होता है। जब हम तुलसा जी के ऊपर से मंजरी हटाते हैं तो एक तरह से हम उन्हें भार मुक्त करते हैं, और ये करना चाहिए। जिस घर में तुलसा जी लगे हुए समेत यदि तुलसा जी का पौधा होता है उस घर में आकस्मिक दुर्घटनाओं का डर बढ़ जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी आपको लगे कि तुलसा जी में मंजरी लगी हुई है और सूख गई हैं, निकाल सकते हैं तो आपको निकाल देना चाहिए। उसे एक डिब्बे में भर के रख लीजिए, या किसी को आवश्यकता तो उसे दे दीजिए, किसी मंदिर में जाकर लगा दीजिए, कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप और तुलसा जी की मंजरी बहुत उपयोगी होती है। आप एक कलश जो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में सभी एक कलश जल का भर कर रखते हैं, उसमें आप मंजरी या तुलसा जी रख कर रखें, और सुबह दूसरे दिन स्नान करने के बाद अपने पूरे घर में मंजरी और तुलसा जी जो भी आपने डाली है वो निकाल लें और उस जल का छिड़काव कर दें, मुख्य द्वार पर भी छिड़काव कर दें। आपके घर में कैसी भी नेगेटिविटी है, कैसी भी परेशानी, कैसी भी समस्या, यदि धन कर्ज भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है वह भी उतर जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही उपाय। और साथ ही आप अपने गमले में जो घर में लगा के रखा हुआ है तुलसा जी का पौधा, आप अपने आप उस तुलसा जी के पौधे में कोई प्रकार की घास हो, कोई प्रकार का छोटा सा पौधा अपने आप उगाए। मैंने कई घरों में देखा है सफाई करते रहते हैं, तुलसा जी में कोई अनावश्यक रूप से कोई पौधा नहीं आने देते हैं, ये भी बहुत सही है। लेकिन यदि अपने आप कोई पौधा आ जाता है, जब वह कच्चा ही होता है, जब छोटा सा होता है, उस पौधे को आप धीरे से निकाल लें, उस पौधे की जड़ कितनी छोटी भी हो उसे धो लें, पहले स्वच्छ जल से, उसके बाद उसे गंगा जल से धो लें, पूजन के स्थान पर रखें, और फिर पीले रंग के कपड़े में बांधकर वह अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यदि कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, या कोई नज़र जैसी समस्या आपके घर में आ गई है, कोई बेकार आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश, आपको हमेशा अपने घर में उदासीनता लगती है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छोटे से कपड़े में लपेट कर और उसे बांध दें। आप देखना 8 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिखने लगेगा, 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह, कम से कम 24 घंटे। ये बहुत ही माना हुआ और बहुत ही अचूक उपाय है, ये आप कर देखें। ये लेकिन सारे उपाय जो मैंने बताए हैं ज़्यादातर यदि आप गुरुवार को करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आपको सोमवार को करना होगा। कर देखें, इन उपायों को यदि विश्वास के साथ आप करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके विश्वास में कभी भी कोई विश्वास के साथ किया हुआ उपाय बिल्कुल अचूक होता है। उपाय तो श्रेष्ठ होते ही हैं, जो भी उपाय बताए जाते हैं, जो भी व्यक्ति बताता है, कहीं ना कहीं उसमें
लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं वो शास्त्रों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब करने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ करता है तो उसमें और ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सफल होने के चांसेस। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।